नमस्कार देवी और सजनों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसके ऊपर बात करेंगे क्योंकि हमको कुछ भी दिखाना है तो दिखाना है। तो आज का हमारा टॉपिक है गेस करो क्या है। एक ऐसा टॉपिक जो बच्चों का सिर दिमाग एक कर देता है, सोचता है कि ऐसा हुआ है क्यों। तो हमारा टॉपिक इज अगर आप न्यूटन की जगह होते तो क्या करते। तो हम लोगों से पूछेंगे उनकी राय। तो चलिए शुरू करते हैं, टेक्निकल गुरुजी बनते हैं। तो हम आगे जाते हैं अभी। तो अभी हम लोग इन भाई लोग से पूछेंगे आप क्या करते हैं, ये बड़े ही आराम से तंबाकू मिला रहे हैं। गाइस इससे हम पूछते हैं वह अद्भुत सवाल। तो भाई साहब आप क्यों खा रहे हैं? अरे क्या बताएं भाई साहब, अभी अभी लड़की से ब्रेकअप हुआ है। अच्छा तो लड़की का ब्रेकअप होने पे लोग दारू पीते हैं, आप खैनी क्यों खाते हैं? अरे हमको दारू पीने की आदत नहीं है भाई साहब। तो भाई साहब क्या आप स्कूल जाते हैं? हाँ हम स्कूल जाते हैं और फलानी क्लास में पढ़ते भी हैं। अच्छा तो फलानी क्लास में न्यूटन का नियम तो पढ़ा होगा आपने? जरूर पढ़ा न्यूटन का नियम। अच्छा बोलो, अगर आप न्यूटन की जगह होते तो आप क्या करते? अरे मैं न्यूटन की जगह होता तो उस एप्पल की पकड़ के गिरा देते है। तो आप लेते बताइए जरा हमें। हम उसकी डाली पकड़ के और सारे एप्पल गिरा देते और बिजनेस करते हैं। ओ हम कुछ समझते। तो भाई साहब हम आपको एक सलाह देना चाहेंगे। बोलो। अरे सलाह देना चाहेंगे सलाह। हाँ तो सलाह क्या दे रहे? सलाह अगर अगली बार आपका ब्रेकअप हो तो खेने के साथ साथ दो चार बोतल दारू भी पीना और दूसरों को पिलाना। गम में तो पीना ही पड़ता है ज्यादा जान गए। तो जैसा कि आपने देखा ये भाई साहब बोल रहे थे अगर ये न्यूटन की जगह होते तो आपने सुन लिया, मैं क्यों बड़ा बड़ा बोलूं। तो अब हम किसी और से पूछते हैं। तो गाइस हमें एक लड़का था दिख रहा है, तो हम उससे भी पूछेंगे कि अगर आप न्यूटन की जगह होते क्या करते। तो उस लड़के से पूछते हैं। तो भाई साहब अगर आप न्यूटन की जगह होते क्या करते? तो भाई साहब बेसिकली ना अगर मैं न्यूटन की जगह होता ना तो मैं उससे भी खतरनाक नियम बनाता, क्योंकि मेरे को नियम बनाना बहुत अच्छा लगता है। कटिया नियम बनाया क्या, बर्तू पर तक गिरती है नित्य गिरती है, इतना क्या पट्टू बकवास नियम था। उससे भी घटिया नियम बनाता मैं, खतरनाक। ओके भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे सवाल का आंसर दिया। तो हम अब किसी और से पूछेंगे। तो किसी और को ढूंढते हैं। बेसिकली इफ आई एम होता न्यूटन की जगह तो आई एम नियम बनाविंग उससे भी खतरनाक, ऐसा तो उससे बोलते हैं लगभग ऐसा लगता है मुझे। तो इफ आई एम न्यूटन की जगह होता तो मैं एप्पल को खा जाता। अच्छी बात है भाई, कौन नहीं खाएगा एप्पल, सबके साथ कपल थोड़ी हो गया नियम बना देंगे। nope. हम कुछ बनाते साले पे साले सबके सारे मिलकर हमको पागल बना रहे मादर चोर। दोस्तों अभी आपने भाई साहब से बात की और अभी हम बाबू राव आप्टे को फोन लगाएंगे, उससे बात करेंगे कि वो उनका क्या कहना है न्यूटन के नियम के बारे और वो क्या कहते हैं न्यूटन की जगह। तो बाबू राव का फोन लगाने वाले हैं, तो वीडियो को देखो लाइक भी करना समझे। हाँ तभी बाबू राव को फोन लगाऊंगा मैं, समझा। हेलो आप कौन? ऑनर बाबू राव आप्टे बोल रहा हूँ। बाबू भैया हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। बोल। तो बाबू भैया आप अगर न्यूटन की जगह होते क्या करते? ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा ये। इसके बाबू भैया हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप न्यूटन की जगह होते क्या करते आप एप्पल का? वो मेरे को नहीं मालूम रे बाबा, तू फोन रख फालतू सवाल मत करे मेरे। बाबू भैया प्लीज बता दो ना, प्लीज एक ही सवाल बस मेरे को बता दो, आप एप्पल का करते क्या, खाते पीते क्या करते, उसका फ्राई करते कुछ भी करते बताओ प्लीज। वो तो मैं खा गया। खा गए? हाँ वो मैं मस्त तेल में फ्राई करके वो मैं खा गया। या, हम तो केवल पूछते थे आप क्या करते एप्पल का, आप तो बोल रहे मैं खा भी गया फ्राई भी कर गया, मस्त फ्राई करके खा गए, ऐसे थोड़ी होता है क्या, न्यूटन बुरा मान देगा तो। रख तेरी माँ की, रख एक तो इधर जान जा रही है। दोस्तों बाबू भैया तो एप्पल को फ्राई करके खा देते और आप क्या करते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर दबा के टॉक दबा के लाइक शेयर कर दीजिए।